एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पैगो न्यू यूट्यूब पर स्ट्रीम स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि हेलो गाइस, आज मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आज हम लंच टाइम की लाइव स्ट्रीम बनाएंगे। मेरे साथ मेरी क्लासमेट है। हेलो गाइस, मेरा नाम रूमी है, मेरा न्यू चैनल है। मैं ब्यूटी टिप्स वीडियो बनाती हूँ, मुझे सपोर्ट करें, मैं अपना बेस्ट दूंगी। मी अपने चैनल के बारे में हमारे व्यूवर्स को और कुछ बताओ। मैं स्टूडेंट्स के लिए मेकअप टिप्स बनाती हूँ। तुम्हारा मॉडल भी तो है। और रूमी बोलती है, मैंने इस मॉडल के मेकअप पर बहुत अच्छे से काम किया है। उसके बाद हमारे मेन करेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होबिन है। वो अपने माइंड में सोच रहा है, बकवास है ये सब YouTube, ये YouTube वो मेरा इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरा भी इसमें हिस्सा बनता है। तब पैगो बोलता है, ओ चुंदर, तुम्हें मेरे व्यूअर को हेलो बोलना है। वो भी हंसते हुए, आज एक लकी सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से एक न्यू PC मिलेगा। क्या बकवास है, ये अपने ऑडियंस का काट रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है होबिन जो कि अपना मेकअप निकाल रहा है और सोचता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों झेल रहा हूँ। ये सब उस पैगो की वजह से है जिसके यूट्यूब पर 7 लाख सब्सक्राइबर है, जो कि पढ़ने में जीरो है लेकिन इसे पैसा कमाना अच्छे से आता है। और दूसरी तरफ हमारी क्लास की रूमी है जिसका नया चैनल है और इसी से अपना खर्चा निकालती है। वो हर किसी को पैसे कमाने का कोई ना कोई तरीका आता है। मैं ही लूजर नंबर 1 हूँ, ना तो मैं स्मार्ट हूँ और ना ही मैं रिच, और यही मेरी हकीकत है। और फिर उसके बाद होबिन अपनी क्लास में वापस आता है। स्नाइपर उसे एक जोर की लात मारता है। ये पैगो का कैमरामैन होता है और ये होबिन से कहता है, सुंदर कहीं के तूने ये लाइव स्ट्रीम सारी खराब कर दी, तूने ये जानबूझ के किया है ना। और फिर वो उसे जोर जोर से पीटने लग जाता है। होबिन उसे मुड़कर देखता है और वो डर कर पीछे हट जाता है और बोलता है, इसका चेहरा तो देखो यार, मैं तो एक पल में डर ही गया था। लगता है होबिन आज कुछ ज्यादा ही जोश में है। और स्नाइपर बोलता है, मैंने इसे देखकर पैंट में मुंह दिया यार। और होबिन सोचता है कि यही औकात है स्नाइपर की, ये पैगो का कैमरामैन है इसीलिए अपनी दादागिरी दिखाता है। और फिर रूमी कहती है, थैंक यू पैगो, तेरी वीडियो का रेवेन्यू 30,000 से ऊपर चला गया है। होबिन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे यार इन्होंने तो कुछ खास किया भी नहीं और लंच टाइम में 30,000 कमा लिए, मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा। तभी वो देखता है स्नाइपर भी यही कह रहा होता है। और स्नाइपर पैगो से कहता है, मुझे चैनल खोलने के लिए क्या करना होगा। यूट्यूब बच्चों को पैसे नहीं देता है, इसके लिए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का अकाउंट और बैंक बुक लगेगा। वे ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने पिछले हफ्ते ही पेरेंट्स के अकाउंट से बहुत से पैसे उड़ाए थे और यही एक वजह है कि अब वो अकाउंट तो मिलने से रहा। लेकिन एक मिनट ठहरो, अभी तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है ना, वो बीमार है ना, चलो उनका अकाउंट नंबर मुझे दे दो। और फिर पैगो हंसते हुए बोलता है, ये कैसा सवाल है, मैं उससे पूछना चाहिए था तुम्हारी माँ अभी तक मरी नहीं। रूमी बोलती है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। स्नाइपर बोलता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और होबिन सोचता है, मुझे इस पर अब हाथ उठाना चाहिए था, सॉरी माँ, मुझे माफ करना। उसके बाद होबिन अपनी मोम से मिलने हॉस्पिटल जाता है। होबिन की मोम कहती है कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे डिस्चार्ज ले लेना चाहिए अब। और फिर होबिन बोलता है, दी आपको रेस्ट की जरूरत है, आप घर की टेंशन ना लें, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, आपको आराम की जरूरत है। मगर एक मिनट, तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और तब वो हॉस्पिटल का 30,000 का बिल पे करता है और सोचता है, ये 30,000 रुपए मेरी वीक की पेमेंट है, चाहे स्कूल के बाद मैं रोजाना यहाँ पर काम भी करता हूँ लेकिन एक दिन का सिर्फ 5,000 रुपए ही कमा सकता हूँ, और इन लोगों ने लंच टाइम में ही 30,000 रुपए कमा लिए, ये सोसाइटी कहाँ है, मैं एक नर्क में जी रहा हूँ, ये भी कोई लाइफ है, इससे अच्छा तो मौत आ जाए। और तभी उसे एक लड़की आवाज देती है, वो उससे कुछ पूछती होती है। और होबिन सोचता है कि लेकिन अभी भी एक उम्मीद है, मेरा प्यार भूमि चोए। तब वो उसे उस चीज के बारे में बताता है और वो उसे थैंक यू बोलती है। और कुछ लड़के उसकी मदद करने लग जाते हैं तो होबिन सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने भूमि से बात की, ये हमारे होटल की शान है, इसे देखकर दिन बन जाता है, दिल खुश हो जाता है। तभी वहाँ पैगो आ जाता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। इसे देखकर होबिन काफी घबरा जाता है और कमरे में जाकर छुप जाता है।
पैगो बोलता है, आज हम टिकटॉक स्टार जो कि बहुत ज्यादा फेमस है सोशल मीडिया पर, तो तुम कैसी हो क्यूटी? और वो बोलता है, आज मैं तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। अगर तुमने ये फोटो जैसा दिखने वाला बर्गर ना बनाया तो तुझे अपना नंबर मुझे देना होगा। यकीन नहीं होता पैगो इसका नंबर लेने आया है, लेकिन ये बर्गर 30 सेकंड में बनने से रहा। पर मैं इसे भूमि के पास भी तो नहीं आने दे सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अब मुझे। मुझे माफ करना लेकिन ये मेरे व्यूवर्स की डिमांड है, लेकिन सुनो, अगर तुम मुझे अपना नंबर दोगी तो जो तुम कहोगी वो मैं तुम्हें दिला दूंगा बाद में। हाँ, और वहाँ पर खड़े होबिन के दोस्त बोलते हैं कि भूमि की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास भी नहीं है, ये यूट्यूबर कुछ भी कर सकते हैं क्या भाई? और इतने में होबिन उस बर्गर को बनाकर ले आता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और होबिन सोचता है, मैं ब्रैगडी का स्टार हूँ, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो वैसे भी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला, मुझे कल मार पड़ने वाली है यार। और हम देखते हैं कि भूमि उसे देख रही होती है, और हम देखते हैं कि स्नेगर होबिन के घर में गेम खेल रहा होता है। इसे एक चैलेंज मिलता है, 30 किलिंग पर 30,000 yen मिलेंगे। और होबिन सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसे अपने घर में क्यों घुसने दिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा ये मेरे घर पर स्ट्रीम कर रहा है। मेरी माँ मुझे माफ कर देना, ये आपके यूजर नेम और बैंक अकाउंट से पैसे कमा रहा है। आखिरकार इसे 30 स्किल के 30,000 कौन दे रहा है? ये तो पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है, और तो और मुझसे ये नूडल भी बनवा रहा है। मुझे इससे रेवेन्यू के बारे में पूछना होगा, मुझे मिलेगा या नहीं। और तब हम देखते हैं उसका पांव वायर से अटकता है, वायर निकल जाती है और कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हो जाती है, और नूडल्स स्नाइपर के मुंह पर जाकर गिर जाते हैं। और फिर होबिन इस बात के लिए स्नाइपर से माफी मांगने लगता है। स्नाइपर उसे मारते हुए बोलता है, मेरे 30,000 अब तू भरेगा यूजलेस कहीं के। होबिन सोचता है, आखिरकार मैं अपने घर पर मार क्यों खा रहा हूँ। स्नाइपर बोलता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ है। ये सब सुनकर होबिन को गुस्सा आता है, वो राबिन उठाकर उसके मुंह पर मारता है और एक जोरदार पंच मारता है। हमें बताता है कि ये फाइटिंग इतनी भी मुश्किल नहीं होती है, मैंने पहली बार किसी इंसान को पंच मारा है, वो भी इतना जोर का। और वो दोनों अलग अलग चीजें उठाकर एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनका वेब कैम अभी भी ऑन होता है, जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम अभी भी चालू होती है। और फिर लड़ाई खत्म हो जाती है। यहाँ होबिन सोचता है, अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये लड़ाई की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो गया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? आखिर मुझे पैसों के बारे में क्यों सोचना पड़ता है, काश मैं अमीर होता। और फिर वो बिजली का बिल बचाने के लिए सारे स्विच ऑफ कर देता है और सो जाता है। और फिर सुबह होते ही स्नाइपर का उसे कॉल आता है, और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीडियो अपलोड करने की? वीडियो को अभी डिलीट कर। ये तुम क्या बक रहे हो? कल रात की लाइव स्ट्रीम को डिलीट करो अभी। इनमें से तुम्हारा घर कौन सा है? यहाँ पर सब एक जैसा ही है। पर लाइव स्ट्रीम तो तब ही बंद हो गई थी जब गलती से मुझसे वायर निकल गई थी। पर रुको, ये तो मेन पीसी की नहीं है, ये तो सिर्फ मॉनिटर को कनेक्ट करती है यार। और स्नाइपर रोते हुए बोलता है, हम दोनों की फाइल यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर है, मॉनिटर भले ही बंद हो गया था लेकिन वेबकैम से रियल टाइम में रिकॉर्डिंग हो रही थी। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो उसे अपलोड ही नहीं किया था। लाइव स्ट्रीम के दौरान अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वीडियो अपने आप अपलोड हो जाती है, और मैं तो इसे डिलीट भी नहीं कर सकता, मेरा ये तो अकाउंट भी नहीं था। जल्दी से मुझे अपना पासवर्ड बताओ। ऐसा नहीं हो सकता। पर रुको, ये तो सच में अपलोड हो गई है और इस पर 10,000 से ज्यादा कमेंट्स भी है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा ये इतनी जल्दी वायरल हो भी गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मैं लोकली बुली होता था, अब मैं ग्लोबली भी बुली हो गया। पर मुझे अब इसे डिलीट कर देना चाहिए इससे पहले ये ज्यादा वायरल हो। पर रुको, यहाँ पर तो लिखा हुआ है एक ही वीडियो से मेरा चैनल मोनोटाइज हो चुका है और मुझे 0.1 व्यू का मुझे 1 yen मिलेगा। सारे व्यूज को मिलाकर 10,00,000 रुपया मिलेगा मुझे। और अब हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ बच्चे इनकी वीडियो देख रहे होते हैं, और एक बच्चा बोलता है, देखो ये नमूने कैसे लड़ रहे हैं, ये किस चीज से इसे मार रहा है। उसके बाद स्नाइगर भी वहाँ पर आ जाता है। क्या इन्होंने भी ये सब देख लिया? मैंने पैगो को इतना फेमस होने में मदद की, मैं खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। इस वीडियो की वजह से मैं तो एक मजाक बन के रह गया हूँ, पर मैं अपने आप को ऐसे छुपा भी तो नहीं सकता।
मुझे किसी और को टारगेट करना होगा ताकि लोग मेरी बजाय उस पर हंस सकें। और तब स्नाइपर एक लड़के को थप्पड़ मारता है, तब वो लड़का उसे पंच मारता है और उसे पीटने लगता है। स्नाइपर अपनी मदद के लिए पैगो को देखता है और पैगो उस पर हंस रहा होता है। और तब स्नाइपर सोचता है, मैंने हमेशा लोगों को बुली किया है, मुझे पता है कि कोई मदद नहीं करने आता जब आप खुद बुली हो रहे हो, ये तो होना ही था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि होबिन की माँ का हॉस्पिटल का बिल 120,000 येन बनता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन वो खुशी खुशी उसे पे कर देता है क्योंकि उसे 1,000,000 येन मिलने वाले होते हैं। और तभी वहाँ स्नाइगर आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मार के कहता है, शायद तूने इससे कुछ पैसे कमा लिए हैं, पर मैं स्कूल में एक मजाक बन के रह गया हूँ, मुझे भी इसमें से हिस्सा चाहिए क्योंकि मेरा इस पर हक है। होबिन उसके अंडे फोड़ कर कहता है, चुप कर, जो तुम्हें मिलना चाहिए था वो तुमको मिल चुका है अब। और दोबारा वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। होबिन सोचता है, मैं इससे नहीं डरता क्योंकि मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ। और थोड़ी देर बाद होबिन स्नाइपर को चुप करने को कहता है और बोलता है, तुम चाहे जितना मर्जी रोलो, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला। और तब स्नाइपर उसे उन दोनों की फाइट की वीडियो दिखाता है। तब होबिन कहता है, ये हमारी अब की फाइट की वीडियो है ना, ये एंगल बढ़िया है ना, मैंने इसे अपनी स्किल की मदद से बनाया है, कैसा लगा? अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम अब इसे भी अपलोड करोगे? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा क्योंकि इसे कोई नहीं देखेगा, उनको लगेगा ये सब एक स्क्रिप्ट से बनाई हुई थी, लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। मैं तुमसे आज लड़ने नहीं आया, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे हाथ मिला लो, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे बनाने में बहुत ज्यादा मदद करूँगा। और तुम जानते ही हो मैं पैगो का पुराना प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, तुम्हें अभी तक रेवेन्यू नहीं मिला और तुम्हें पता नहीं है आगे क्या करना है, क्या तुम कंटेंट बना सकते हो? तुमने एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में क्या सोचा है? पैग ये सब कुछ मेरी मदद और कैमरा वर्क से कर सकता था, लेकिन तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा। तुम्हें सिर्फ कैमरे पर आना है और मुझ पर भरोसा रखना होगा, हम साथ में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। होबिन पैसों के बारे में सोचता है और स्नाइपर सोचता है कि मुझे लगता है ये मेरे जाल में फंस गया, अब मेरा प्लान कामयाब हो गया, मैं इसके अकाउंट से ही अब पैसे कमाया करूँगा। चलो अब हिस्से की बात कर ले, ऐसे तो सब कुछ मैं ही संभालूंगा, लेकिन हम फ्रेंड्स हैं इसलिए 90 मेरा 10% तेरा। और वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं, तभी स्नाइपर सोचता है कि अब ये सारे मुश्किल काम यही करेगा और मैं पैसे कमाऊंगा। अपनी बकवास बंद करो, मैं हमेशा कैमरे के आगे रहने वाला हूँ, तुम्हें किस बात के 90% मिल रहे हैं? और वैसे भी हम दोनों दोस्त नहीं हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, 40 मेरा 60 तुम्हारा, इससे अच्छा तो मैं बर्गर शॉप पर बर्गर बना लूंगा, तो चलो हम 20-80 कर लेते हैं। पर होबिन फिर भी नहीं मानता, चलो 10 मेरा 90 तुम्हारा। तो इसके आगे अब मैं क्या ही बोलूं? और तुम बताओ किस कंटेंट की बात कर रहे थे जिस पर तुम्हें इतना भरोसा था? अब स्नाइपर सोचता है कि ये तो बहुत चालाक निकला, मैं तो इसे उल्लू समझ रहा था, ये तो बहुत घटिया निकला। और कहता है कि अब हम बुलीज को रियल टाइम लड़ने के लिए बुलाएंगे। और इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पर कॉमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अगर और भी तुम्हें इसके पार्ट चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर देना। अब